लगा माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? अपनी बेबसी और मजबूरी का हल कानून की किताबों में ढूंढ रही हैं आप? इस परेशानी का हल तलाश कर रहा था। हल तो है, मगर आपका अहंकार इस बात की। रमा, धर्मपत्नी होने के नाते मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर एक मां होने के नाते खामोश रहकर अपनी औलाद की बलि नहीं दे सकती। जिसे तुमने मां बनकर पाला है उससे मेरा भी कोई संबंध है, मैंने भी उसे बाप की तरह प्यार दिया है। और आज कानून की कुर्सी पर बैठकर आप अपना फैसला सुनाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। गुनहगारों को यह कानून सजा देगा ही। ये एक भाई बोल रहा है या जज रवि खन्ना बोल रहा है? इस वक्त एक भाई बोल रहा है। जी नहीं, इस वक्त भी अंधे कानून की कुर्सी पर बैठा हुआ एक जज ही बोल रहा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं अदालत, कानून और कठेरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस घर और इस घर में रहने वालों की बात कर रही हूँ। घर की बात तो रही नहीं, अगर बात घर की होती तो एक भाई बनकर नाराज होता, बिगड़ता, डांटता, डपटता और खामोश हो जाता। मगर ये बात कानून की है और कानून की विश्वास की कुर्सी पर बैठकर मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। नाइंसाफी तो अभी हो रही है। रमा, ये मत भूलो कि वो एक खूनी है। माफ कीजिएगा, ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि खून उसी ने किया है, और एक जज होने के नाते आपको अभी से यह फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। माफ करना, मैं ये भूल गया था। आप बहुत कुछ भूल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी कानून के कुछ दांव पेच याद है। अगर आप अपने भाई को कानून के कठेरे में खड़ा करके ही रहेंगे जज साहब, तो मैं भी आपके फैसले के सामने चट्टान बनकर उसे बचाने की कोशिश करूंगी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, खूनी सुमित खन्ना की पेशगी कल अदालत में। आज की ताजा। जी हाँ, मेरी बात तो हो गई है, किसी को तो स्टेप उठाना ही है। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। होल्ड ऑन। हेलो, हाँ बस निकल रही हूँ। हाँ वर्मा साहब जी, मैंने फैसला कर लिया है। नहीं नहीं जी नहीं, मुझे इस केस में किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस आप पेपर तैयार रखिए, मैं निकल रही हूँ। थैंक यू। मैं कोर्ट जा रहा हूँ। हाँ आज प्लीज, आज कुछ मत कहिएगा। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, हमेशा की तरह मुझे आज गुड लक मत कहना। लेकिन आप तो मुझे गुड लक कह सकते हैं, मेरे जीत के लिए तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं। गुड लक। थैंक यू। तुम साथ नहीं चलोगी? जरूर चलती मैं आपके साथ, अगर आप सिर्फ एक पति या भाई बनकर चलते। छोटा भाई न्याय समझकर चढ़ पड़ा, क्या आप उस राह को अन्याय साबित कर सकेंगे? सुमित आपका छोटा भाई है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको फैसला सुनाते वक्त खून का रिश्ता मजबूर कर दे? कुछ तो जवाब दीजिए सर। थम चुकी थी, अब ये तूफान आपके देवर ने फिर से जगाया। आपका मुकाबला आपके अपने पति न्यायमूर्ति जस्टिस खन्ना से है, पति पत्नी के मुकाबले में न्याय कहीं घुट के तो नहीं रह जाएगा? क्या आपको यकीन है कि आपके दलीलें आपके देवर सुमित को निर्दोष साबित कर सकेंगी?
हेल्पलाइन आ गई है। खूनी इसी में है। हाँ? बहुत खतरनाक खूनी है, 5 खून कर चुका है। कार्यवाही शुरू की जाए। मुल्ज़िम सुमित खन्ना हाजिर हो। ये शख्स जो इस वक्त शर्म और नदामत से सर झुकाए खड़ा है, ये इसका असली रूप नहीं है। इसका असली चेहरा इसके जुर्म और गुनाह के नकाब के पीछे छुपा हुआ है। इसके जुर्म और गुनाह कभी माफ नहीं किए जा सकते। 7 खून करने वाले इस खूनी को अगर 7 बार सजाए मौत दी जाए तो भी कम है। एक पॉइंट काबिले गौर है मिलॉर्ड, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी फाजिल वकील ने बड़े ड्रामाई अंदाज में मेरे मोकिल के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाई। उन्होंने मेरे मोकिल पर 7 खून करने का इल्जाम भी लगाया। क्या मेरे फाजिल दोस्त एक भी ऐसे सबूत पेश कर सकते हैं जिससे ये बात साबित हो कि वो खून सुमित खन्ना ने ही किए हैं? क्या मेरे फाजिल दोस्त इस बात का जवाब दे सकते हैं कि एक लड़की से प्यार करके उसे दिलो जान से चाहकर उसका खून करने की मेरे मोकिल को क्या जरूरत थी? एक आवारा शराबी फोटोग्राफर का खून करने की क्या जरूरत थी? कॉलेज के बदनाम स्टूडेंट प्रेम का खून। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकीले सफाई एक बात भूल गईं कि ये मुकदमा खून का मुकदमा है, किसी के केस की सफाई का नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। इन बातों का ही इस केस से ताल्लुक है योर ऑनर। आप इस केस के असल मकसद पर ही रहे तो ठीक होगा। ठीक है योर ऑनर, प्रेम के अलावा और भी खून हुए लेकिन उनका कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा। इंस्पेक्टर खान ने सुमित खन्ना को मौका वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर खान को मैं कठेर में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर खान, आपने सुमित को कहां गिरफ्तार किया? सड़क पर। सड़क पर? जी हाँ, मैं हॉस्पिटल से इसका पीछा कर रहा था। आप सुमित का पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये लॉर्जेस पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। लॉर्जेस पर हमला? लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्जेस की मौत 28 जून को हुई थी और आपने 30 जून को सुमित को गिरफ्तार किया। जी वो, इसका मतलब ये है कि सुमित ने लॉर्जेस पर हमला किया तो लॉर्जेस उसे 2 दिन पहले ही मर चुका था। जी। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। इंस्पेक्टर खान, अगर लॉर्जेस 2 दिन पहले ही मर चुका था तो सुमित को आपने किस जुर्म में गिरफ्तार किया? जी वो, अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है।
केस अभी खत्म नहीं हुआ मल्होत्रा साहब, शुरू हुआ है। इतना ना समझ में नहीं हूँ वकील साहब, आपको यहाँ पर बुलाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप भी वही महसूस कर रहे हैं ना जो हम सब कर रहे हैं। महसूस? मैं कुछ समझा नहीं। वकील होकर भी नहीं समझे? अजीब बात है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबकी बुद्धि आपसे ज्यादा काम कर रही है। मैं आपकी पहेलियों का मतलब नहीं समझा। पहेली नहीं है हमारी बात वकील साहब। खैर मैं आपको खुलकर समझाता हूँ। खूनी का नाम? सुमित। पूरा नाम? सुमित खन्ना। वकील का नाम? रमा खन्ना। जज का नाम? रवि खन्ना। यानी खून करने वाला भी खन्ना, बचाने वाली भी खन्ना और फैसला सुनाने वाला भी खन्ना। अब भी मेरी बात अच्छी तरह समझ में नहीं है तो मैं और अच्छी तरह समझा दूं। छोटा भाई खूनी, भाभी वकील और बड़ा भाई जज, ये तो हर कोई जानता है मल्होत्रा साहब। तो फिर इस केस की पोजीशन और उसके आने वाले परिणाम को भी हमें जान लेना चाहिए कि हमारे लाख सर फोड़ने के बावजूद भी वही होगा जो खन्ना चाहेंगे। ये सिर्फ आपका ख्याल है। मेरी सारी जिंदगी कानून के दाव पेच में गुजरी है और मैंने कमजोर से कमजोर केस जीता। आप मेरी काबिलियत को चैलेंज कर रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी कर रही है हम सबको चैलेंज। यह औरत अदालत की हद तक की केस नहीं लड़ेगी, बल्कि बाहर भी लड़ेगी अपना केस। और ये मत भूलिए, ये उस खन्ना की बीवी है जो खन्ना जज है, और जज खन्ना वही करेगा जो उसकी बीवी कहेगी। मगर कानून अंधा नहीं है? कानून अंधा है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए चीफ जस्टिस के नाम पर और ये केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा दीजिए, जज और मुलजिम का रिश्ता साबित करके। मिस्टर मल्होत्रा, अगर ये मुमकिन होता तो सबसे पहले मैं यही करता। आप फिक्र मत करें, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस केस का फैसला हमारे हक में होगा। ठीक है, इनके तजुर्बे की लगाम पकड़कर चलते हैं, देखते हैं बाजी कौन जीतता है। तो वक्त ही बताएगा। रमा तुम होश में नहीं हो। मैं होश में हूँ। अगर आपने गलत फैसला किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। गलत फैसला मैं क्यों करने लगा? सुमित से मेरे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अदालत में वो एक मुजरिम है और मैं एक जज, रिश्ते नातों का सवाल ही पैदा नहीं होता। रमा, इस वक्त सारे शहर की नजरें मुझ पर है, प्रेस, कानून, मेरे कलीग्स, मरने वाले बच्चों के माँ बाप, सबके सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे भूखे गिद्ध, और मैं एक बेबस भाई अपने कानों पर अपनी जिम्मेदारी और ममता की सलीब उठाए चल रहा हूं। जहां मैं थक कर गिरा, ये सारे गिद्ध मेरी बोटियां नोच लेंगे। सुमित तो अभी सिर्फ कटहरे तक ही पहुंचा है, मैं तो उसके गिरफ्तार होते ही फांसी पर लटक गया था। हैरत तो इस बात की है कि अभी तक मेरा दम क्यों नहीं निकला। अगर लॉरेंस एंथनी की मौत 28 जून को हो चुकी थी तो उसकी लाश दो दिन के लिए हॉस्पिटल में क्यों रखी गई? मैं कातिल का इंतजार कर रहा था। मरने के बाद कातिल का इंतजार? जी हाँ, क्योंकि लॉरेंस एंथनी की मौत की खबर के बजाय मैंने अखबारों में उसके जिंदा होने की खबर छपवाई थी। उसकी कोई खास वजह? वजह यह थी कि लॉरेंस एंथनी एक ऐसा शख्स था जो हमला करने वाले की पहचान कर सकता था, और अगर ये आखिरी सबूत चश्मदीद गवाह कातिल को पहचान लेता तो कातिल फंस जाता, इसलिए मैंने ये चाल चली। और आपकी ये चाल कामयाब रही? जी हाँ। और वो उसको जान से मारने के लिए हॉस्पिटल के उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर लॉरेंस एंथनी की लाश रखी हुई थी? जी हाँ। तो ये बताइए, उस कमरे में कौन दाखिल हुआ? सुमित खन्ना, भेष बदल कर। ऑर्डर, ऑर्डर। कौन से भेष में? डॉक्टर के भेष में। सुमित खन्ना ने कमरे में दाखिल होकर क्या करने की कोशिश की? सुमित खन्ना ने अपनी जेब से चाकू निकाला। यस। इंस्पेक्टर खान, क्या ये वही चाकू है जिससे वो लार्जेस पर हमला करने वाला था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लार्जेस पर नहीं, उसकी लाश पर। बात तो एक ही हुई। थैंक यू इंस्पेक्टर खान, यू कैन गो। शुक्रिया। मिलॉर्ड, मुल्जिम सुमित खन्ना ने अपना आखिरी सबूत और कानून के चश्मदीद गवाह को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, और लार्जेस को तो दो रोज पहले ही अपने रास्ते से हटा चुका था। अगर इंस्पेक्टर खान अपनी होशियारी और चालाकी से काम ना लेता तो मुल्जिम सुमित खन्ना आज किसी और की मौत की तैयारी कर रहा होता। इसने अपना एक जुर्म पाने के लिए 6 खून और किए, और इन जुर्मों की शुरुआत इज्जत लूटने से शुरू की इस शख्स ने। नहीं, ये झूठ है। उस लड़की ने जिस पर भरोसा किया वही उसकी इज्जत लूट रहा था। मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। जब वो शोर मचाने लगी
तो तुमने उसका मुंह बंद करके उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नहीं, मैंने ये खून नहीं किया। तो फिर कौन सा खून किया तुमने? फोटोग्राफर का? नहीं वकील साहब, प्रेम, पंचम, लार्जा, रानी और मोना का। क्या तुमने इन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये गवाह थे और इन सब ने तुमको अंजू का खून करते हुए देखा था? जवाब दो। ये झूठ है। ये सच है कि ये खून तुमने किया है? तुमने एक एक करके सबको जान से मार दिया है, सबको जान से मार दिया। हाँ हाँ, ये खून मैंने किए है। मैंने उन्हें जान से मार दिया, उन सबको मैंने जान से मार दिया। हाँ हाँ, मैंने मार दिया उन सबको, मैंने मार दिया। नहीं सुमित, नहीं, तुमने कोई खून नहीं किया। तुम ये सारी बातें दबा में आके बोल रहे हो, तुम्हें होश नहीं है। नहीं, मैं होश में हूँ। मैंने उन सबको मार दिया। मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ, लेकिन मैंने अंजू को नहीं मारा। मैं तो उसे जान से ज्यादा चाहता था। मैं अंजू को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उसे। स्टडी रहो प्लीज। या दैट्स ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा डर हो जाओ। ओहो, एक मिनट। अरे बाबा, बैक नहीं, अपना थोड़ा सा हाथ ऊपर रखो। अच्छा। या दैट्स बेटर। वन सेक, यू आर रेडी, लेट्स गो। क्लिक।
सवाल 30% या 40% का नहीं है शर्मा जी, सवाल है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है? आप कल मुझे सुबह फोन करिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके, गुड नाइट। क्या नाम बताया इस लड़के का? सुमित, सुमित खन्ना सर, जज रवि खन्ना का छोटा भाई। जी हाँ, बहुत अच्छा लड़का है और अच्छा खानदान भी। इस वक्त तो हमें अपने खानदान की इज्जत की फिक्र है। चलते हैं। चलो ना। अभी ना जाओ छोड़। मिस्टर देवानंद, रात काफी गुजर चुकी है, चलो ना घर चलते हैं। अंजू, वादा करो कि तुम्हारी हर धड़कन मेरी धड़कन होगी, तुम्हारी हर सांस मेरी सांस होगी। हाँ सुमित, हाँ मैं वादा करती हूँ। यू ओल्ड लेडी, ये भी कोई तरीका है वादा करने का? तो फिर जनाब 20th century आप बताएंगे वादा कैसे किया जाता है? बताऊं? इंस्पेक्टर? अरे इंस्पेक्टर साहब आप? मैं इंस्पेक्टर नहीं, हवलदार है, हवलदार। अरे शक्ल से तो आप एकदम इंस्पेक्टर लगते हैं। क्यों अंजू? अरे इंस्पेक्टर क्या, ये तो एकदम कमिश्नर लगते हैं। ए, चमचागिरी मस्कागिरी बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत हो गया तुम लोगों का ओवर टाइम, बहुत डेंजर एरिया समझे। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। वाह कमाल है, सच बोला भी गुना है। चलो चलो बैठो अंजू। बाय इंस्पेक्टर। बाय कमिश्नर। ये घर इतनी जल्दी क्यों आ गया? तुम तो बावले हो गए हो। इस बावलेपन की जिम्मेदार भी तुम ही हो। पापा? पापा? क्या मैं तुम्हें पापा नजर आता हूँ? तुम्हारे नहीं, मेरे पापा आ गए। चलो मिलते हैं। प्लीज सुमित, तुम जाओ वरना मेरी शामत आ जाएगी। पहले कल का वादा करो। यस बाबा, मिलूंगी जरूर। बाय बाय। हाँ जाग रहा हूँ क्योंकि बाप हूँ, और नींद इसलिए नहीं आ रही कि रात के 1 बजे तक इस बाप की जवान बेटी घर नहीं पहुँची। ओ पापा। और रही बात पियानो बजाने की, तो इसलिए बजा रहा था क्योंकि क्योंकि घर में सन्नाटा था, कोई था नहीं मुझसे बात करने वाला, और किसी से तो मन की बात करनी थी मुझे। I'm sorry पापा, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मुझसे भूल हो गई। भूल तो मुझसे हो गई, दिन रात की मसरूफियत में इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बेटी जवान हो गई है, उसे अब बाप के घर की जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे पापा? ठीक कह रहा हूँ बेटी, अब मुझे बाप का फर्ज अदा कर ही देना चाहिए तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर। पापा मैं, बेटी रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। सर आपके प्यार करने का अंदाज समझ में नहीं आया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मगर बजाय खत लिखने के ये बात आप खुद भी कर सकते थे। बेटी जब जवान हो जाती तो ऐसी बातें माँ ही करती है, लेकिन माँ के प्यार की लकीर अंजू के नसीब में नहीं है। सर आपने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। कोशिश कर रहा हूँ,
एनीवे टिकट कंफर्म हो गए? यस सर, कंफर्म है। चलिए। गुड मॉर्निंग पापा। अंजू बेटी, रात भर ये सोचता रहा कि मैंने अपना फर्ज पूरा क्यों नहीं किया, एक बाप का फर्ज। सोचा कि ये फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए अच्छा है, इसलिए काफी सोच विचार के बाद मैंने घर के बारे में सोचा और एक लड़के को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। पता नहीं मेरी पसंद से तुम कैसा रिएक्ट करोगी, ये देखने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। खैर, तस्वीर साथ है, देख लो। उम्मीद तो है कि तुम्हें यह लड़का पसंद आ जाएगा। वापिस लौटो तो बता देना हमारी पसंद ठीक है या एक बात और, कल से तुम कॉलेज जाओगी, एडमिशन मिल गया है तुम्हारी पसंद के कॉलेज में। लव पापा। I love you, papa. हेलो अंजू। सुमित तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, क्या बात है जरा हम भी तो सुने। पहली खुशखबरी तो ये है कि मुझे तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। वाओ! और दूसरी खबर, नहीं अभी नहीं, मिलूंगी तब बताऊंगी। कब मिलोगी? क्यों, पहले दिन कॉलेज नहीं ले जाओगे मुझे? अरे पहले दिन क्या, तुम्हें तो सारी जिंदगी कॉलेज ले जाऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा। बाय। ओके बाय। ये याहू। ला भाभी भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। नाश्ता करके जाओ। नाश्ता? ओह नो, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ भाभी। अरे ऐसे मौकों पर बच्चू डाइटिंग की नहीं जाती, हो जाती है। कौन से मौकों पर भैया? सुनो इसे बताओ। आप ही बताइए। नहीं बताओ ना। ठीक है ठीक है, आप लोग फैसला कर लीजिए कि आप लोग में से कौन बताएगा। मुझे देर हो रही है, क्लास मिस हो जाएगी। हाँ क्लास तो मिस होगी, मगर मिस को मिस मत करना। व्हाट? मिस को मिस मत करना, हाँ समझ गया। जा जा जा। ओके भैया बाय बाय। देखा ये बन जाएगा जज या वकील। No. Please. अरे बाबा मुझे नहीं चाहिए। देखो ना सुनी। आउच। सुमित हमें कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल नहीं। अच्छा भाई कॉलेज चलते हैं, ठीक है। वाओ क्या स्वीट है। हाँ। चलो क्या चीज है यार, बिजली है बिजली। क्या बे मार डालेगा क्या? हट बे, 20 सड़क पे कचरे के डिब्बे की मफित क्यों खड़ा? म्यूनिसिपालिटी गाड़ी आएगी कचरा समझ कर ले जाएगी क्या? अरे गाड़ी भी है और म्यूनिसिपालिटी का जमादार भी है। ये गाड़ी तेरे लिए तो कचरे की गाड़ी फिट है। तू कौन है बे? आई एम कृष्ण अय्यर, यम ये मोटर बाइक वाला, समझा क्या? साले ने मूड का सत्यानाश कर दिया। क्या चीज थी यार, बिजली थी बिजली। ये खबर तो गैंग को सुनानी चाहिए। गुरु गुरु। अरे यार पहलवान। यू इडियट, अपन बॉक्सर है। अच्छा बाबा बॉक्सर साहब। बोल क्या बकता है? दोस्त कॉलेज में एक नया पटाखा आया हुआ है। तो फिर अपन क्या करना मांगता है? अरे एक बार चल के देखेगा तो सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। अच्छा कमाल है यार, तेरे को इतनी अच्छी खबर दी और तू है कि ये तेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए तो अपना गुरु ही काफी है। कहाँ है गुरु? गुरु कहाँ है? गुड। जय माता दी। चलिए पैक कर दे चल। प्रेम यार इस बार मुझे थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए।
पैसे की जरूरत किसे नहीं होती चंदर। अरे यार तू समझता नहीं, मेरी दुकान का केस चल रहा है, अगर मुझे 1000 रुपए और मिल जाना तो बस तू समझ ले कि मेरा काम हो गया। मैं सब समझता हूँ चंदर, तेरा ये हमेशा का रोना है। चले 300 रुपए पकड़। क्या कर रहा है, वाकई मुझे बहुत जरूरत है। चल पकड़ बराबर है। अरे यार कमाल है तेरा, यही रोना। तू इतना कमाता है, मेरी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता? प्रेम या आया। हाय बेबी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। प्रेम मेरी शादी होने वाली है। शादी? तुम्हें शादी की भी जरूरत है? हम लोग मर गए क्या? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्रेम, वो तस्वीर और नेगेटिव मुझे दे दो, मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान? एहसान हम किसी पे नहीं करते बेबी, और ये हाथ पैर जोड़ के भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें नेगेटिव चाहिए ना? प्रेम मिल जाए, सिर्फ तुम 10,000 रुपए का बंदोबस्त कर दो बस। 10,000? सिर्फ 10,000? लेकिन मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगी? प्रेम तुम्हारा टेलीफोन। हाँ आया, वो तुम्हें रानी समझा देगी, समझा देना इसको। श्योर। हेलो। अरे गुरु कहाँ हो तुम? हाँ कोई खास बात? अरे एकदम खास बात है गुरु, आज कॉलेज में एक फर्स्ट क्लास पटाखा आया हुआ है, अगर तुम उसे एक बार भी देख लोगे ना सारे पुराने हिसाब किताब भूल जाओगे। अरे पहले ये पुराना हिसाब तो कर लो। कितने अरमान कितने सपने लेकर मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, दिन रात मेहनत की मजदूरी की, मेरी माँ की तपस्या देखकर मैं तड़प उठा। मैंने कहा कसम पैदा करने वाले की मैं अपनी माँ का सपना सच करूंगा। अरे शशि वो प्रोफेसर वाला बोल रहा है यार, प्लीज। नहीं नहीं अभी नहीं। क्या राना करता है, एक लड़की इतने प्यार से बोलती है, बोलना यार मजाक। कितने अरमान कितने सपने लेकर मेरी माँ ने मुझे पाला है पोसा है, दिन रात मेहनत की मजदूरी की, मैं उसकी तपस्या देखकर तड़प उठा। मैंने कहा गंगा जमुना की कसम है मैं अपनी माँ का सपना सच करूंगा। अरे सुधु वो शत्रु वाला सुना देना यार। नहीं यार अभी मजा नहीं आएगा। नाना क्या कहता है सुना देना यार, सुना ना। अच्छा कितने अरमान कितने सपने, क्या हो रहा है ये? खामोश। शट अप। होश। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। यस सर। हां क्या नंबर 5? ये वही पटाखा है। हां अच्छा नंबर 5 वाकई पटाखा यार। आई से नंबर 5। ये रोल नंबर 5 पे आपकी गाड़ी क्यों रुक गई प्रोफेसर साहब? खतरे की लाल बत्ती देखी और आपकी गाड़ी अटक गई। गाड़ी बढ़ाते जाइए, कभी जवाब मिले ना मिले तो प्रेजेंट ही लगाते जाइए, क्या समझे? नंबर 6। यस सर। अबे बैठ जा छक्के, नहीं तो थक जाएगा। Right, what? Behave yourself. के हाथ में ये बटेर कहां से आ गया? इस बटेर की गर्दन तो मुझे ही मरोड़नी पड़ेगी। सुमित तुम भी जरा जरा सी बात को मन से लगा लेते हो। सुमित? हेलो सुमित। हेलो अनीता, कैसी हो? मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। इनसे इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं, ये अंजू है और ये अनीता। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई अंजू। अब ये खुशी बरकरार रहेगी, अंजू ने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी प्रेम।
सुमित। रानी, यू कम एंड सी मी इन माय ऑफिस। अब जाओ, जाके इनकी फायरिंग सुनो। देखती हूँ इस बुढ़े की बंदूक में गोलियां कितनी हैं। तुम कहाँ खो गई? बेचारी की शामत आ गई। शामत तो हमारी आ जाएगी अगर देर हो गई तो। देर? हाँ, भाभी के लिए प्रेजेंट खरीदना। प्रेजेंट? अरे कल भाभी का जन्मदिन है। जन्मदिन? तस्वीर है मेरी तो तकदीर है प्यारी प्यारी भाभी मेरी ममता की तस्वीर है मेरी तो तकदीर है प्यारी प्यारी भाभी मेरी वही तो जी के
भर नहीं सो सकी। क्यों? तुम्हारी भाभी की सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी। भाभी क्या, वो तो मेरी माँ है। भैया ने भाई के बजाय बाप बनकर पाला है मुझे। माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। पता नहीं सुमित, मेरा मन बार बार भाभी को मिलना चाहता है। मिलना क्या, तुम तो हमेशा उनके पास रहने वाली हो। वो कैसे? उनकी बहू बनकर। हाथ को पकड़ा। हाँ जी। अब गाल को पकड़ा। हाँ जी। अब मुझको देखा। हाँ जी। अब आंखों में झांका। हाँ जी। फिर गुस्से में आया। हाँ जी। शट अप। ए, सुर में बोल चक्के। नहीं सुमित, तुम्हें मेरी कसम। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। एक लाख डॉलर बोला तो पोस्टर की तरह चिपका दूंगा तुझे। गुरु, 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 गुरु का है, लाजस, गुरु का है। क्या है बे? क्यों कुत्ते का मालिक चिल्ला रहा? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं गुरु? उस साले ने मेरा कचरा कर डाला, मारा गुरु, मेरे को मारा, तेरे पंजम को मारा गुरु। किसने मारा बे? जिसने भी मारा हो, ये है इसी काबिल। गुरु, वो साला छह नंबर अंजू का चमचा, उसने अपना गला पकड़ लिया। क्या गुरु? तो आपने उसको बोल दिया, देख आपन प्रेम की गैंग का आदमी है, तो उसने सब लोगों के सामने क्या बोला मालूम है गुरु? बोला प्रेम क्या, प्रेम के बाप को भी लेके आओ। उस साले की ये हिम्मत, चल अम्बे फोर प्लेट ऑमलेट कुड़पा शीघ्रम। मुत्तु कोड़ी का वाड़ी अड़ा रम नल्ला स्टूडेंट पढ़ता वेरी गुड दादा। ए पानी बेबी, पानी कुछ कहा जानी? कौन बोला क्या नहीं? गटर से लाए हो ये पानी? गटर है? कैंटीन का ड्रम से पानी लेके आया, तेरे को गटर का पानी लगता? ची जानी को पानी में कचरा दिख रहा है। तुम एक काम करो, कल अपना घर से एक फिल्टर लेके आओ, मैं फिल्टर का देता पानी। नहीं बेटर, नहीं, जानी नहीं चाहता कि बाकी के विद्यार्थी गंदा पानी पिए, इसलिए हम मैनेजर से कहकर हर स्टूडेंट के लिए एक एक फिल्टर जरूर लगाएंगे। हम जानी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे? चाय पीने को, सिगरेट पीने को पैसा नहीं, सबको फिल्टर का पानी पिलाएगा। अरे असली जाने को बोल के तेरा नानी याद कराएगा। मेरे को बोलता तंबी, वांग वांग। हाय। बोले जी। आ? मेरे लिए एक गर्ल स्पॉट और तुम क्या लोगे? मेरा मूड नहीं है। सुमित, तुम भी जरा जरा सी बात को लेकर परेशान हो जाते हो, ऐसे आवारा लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। है? मैं आवारा? ए बेबी, आ? तुम मेरे को आवारा बोला, मेरे करेक्टर को गाली दिया। मैं आवारा नहीं, मैं अपना गांव मद्रास से इधर आया हूं। ये क्या बदतमीजी है? अरे तमीज तो तुझे मैं सिखाऊंगा, बोल मारिया खाएगा बाहर चलकर। छोड़ दो इसे। ओए चिकनी, तुझे तो अभी तक मैंने छुआ भी नहीं है, तू क्यों फड़फड़ा रही है? शट अप। क्या बोला भाई, क्या बोला? कुत्ते। हाँ? कुत्ते की तुमको कितना भी सीधा करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ता बोला बे? कुत्ते को कुत्ता ही बोला जाता है, बच्चों में ताकत आजमाने का शौक अभी तक गया नहीं, पंजा लड़ाना है तो शेर चला। अरे अंडा है, सामने गुंडा है, अरे बाबा कोई है, मारो। अरे 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 कौन है भाई, अरे मारो। सर देखिए सर, ये सब इसी ने शुरू किया है सर, मैंने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना सर। परवेज,
You are restricted from the college. Get out. College ke bahar bhi duniya hai prem. Main tumhe dekh lunga. I say get out. Students, you get back to your classes. Go. बैठ जा छक्के, थक जाएगा, अब गाल को पकड़ा। हाँ जी। अबे सुर में बोल, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। छोड़ दो उसे सुमित, तुम्हें मेरी कसम। ये क्या बदतमीजी है? अरे तमीज तो तुझे मैं सिखाऊंगा। तू बुजदिल है सुमित, डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूं। अगर डरपोक नहीं है तो बार बार अपनी बेइज्जती क्यों कराता है? मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी बुजदिली पर झूठ की चादर मत डाल। तुझमें गैरत नहीं है, हिम्मत नहीं है तुझमें। अरे कैसा मर्द है तू जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता? वो अंजू की रक्षा क्या करेगा? पता नहीं अंजू भी तेरे बारे में क्या सोचती होगी। हो सकता मनी मन वो भी तेरी हंसी उड़ा रही हो। शट अप विल यू। सुमित, बात दरअसल ये है कि आई लव यू। हाँ। हेलो हेलो सुमित, क्या बात है? तुमने जवाब नहीं दिया। नींद आ रही है। आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। एनीवे कल सुबह पिकअप करने तो आ रहे हो ना? थोड़ी देर हो जाएगी, कॉलेज में मिलते हैं। Bye. I love you. Good night. गुरु, आज बिजली अकेली आ रही है। हेलो मैडम। यस मिस्टर। लगता है आप कुछ नाराज हैं हमसे। वैसे आपकी हमारी कोई दुश्मनी भी तो नहीं है? क्यों? मेरी आपसे कोई दोस्ती भी तो नहीं है? दोस्ती होने में कितनी देर लग जाती है मैडम, बस आपके हाँ करने की देर है। क्यों? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन ये सारा कॉलेज हमें आपका दीवाना समझता है। हाँ। जबान को लगाम दो वरना। वरना क्या, जान से मार दोगी? अरे तुम्हारे इन अदाओं ने जिसको पहले से ही मार दिया हो उसे मारने के बाद। ये प्रेम के गाल हैं और रानी का हाथ। लगता है तुमने हमें अभी तक पहचाना नहीं। पहचाना तो तुम लोगों ने नहीं है मुझे। लगता है अब परिचय देना ही होगा। यस मे आई कम इन सर? कम इन। तुम लोगों ने कॉलेज को क्या समझ रखा है? यहां पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को छेड़ने के लिए? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी मुझे नहीं तुम लोगों को हुई है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि यह लड़की भी कुछ नहीं कहेगी और अपनी बेइज्जती खामोशी से सह जाएगी, लेकिन अंजू ऐसी लड़की नहीं है। जानते हो यह लड़की कौन है, किसकी बेटी है? दीवान प्रताप सिंह की बेटी है, हमारे कॉलेज के ट्रस्टी दीवान साहब, और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मेरे यहां सिर्फ दो ही रास्ते हैं। इसे देख लो। सर ये तो माफीनामा है। सर दस्तखत कर दो। एक और रास्ता देख लो। इसे रेस्टिकेट। यस तुम लोग सोच लो कि क्या करना है। माफीनामा? कमाल है यार, एक लड़की के जूते चाट लिए। अरे यार प्रिंसिपल ने निकालने की धमकी दी होगी और क्या करते। कुछ भी है यार, उस अंजू में दम है।
हमारी तरह बुजदिल डरपोक तो नहीं। अंजू ने टक्कर तो ली। टक्कर तो ली मगर उसने अपना अंजाम नहीं सोचा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अंजाम के बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों पंचम? ओखली में सर दे दिया बिचारी अंजू ने। आओ, वो मामूली लड़की नहीं है। अगर उसके डैडी को पता चल गया तो सीधे हवालात ले जाएंगे। अबे तू सब मामा रहता है क्या? अरे अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? देख 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 तू ज्यादा जबान नहीं चलाना, बोल देता हूँ तेरे को। चल पंचम। नाक कट गए मगर आकड़ नहीं गई। कमाल है यार, तू तो ऐसा शांत खड़ा है जैसे आज कॉलेज में हुई बेइज्जती के बारे में नहीं, किसी खूबसूरत लड़की के फिगर के बारे में सोच रहा हो। अब ये कॉलेज का दादा रहा कहाँ? अंजू को देखकर तो इसका फ्यूज उड़ गया है। यार प्रेम, अपुन के हिसाब से तूने माफी मांगकर अच्छा नहीं किया। अरे माफी इसलिए मांगी कि मैं नहीं चाहता था वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अपने हाथ से निकल जाए। क्या मतलब? मतलब साफ है बस, अब वो लड़की मेरे कैमरे से उतर कर चंदर के फोटो स्टूडियो में मेरे मकसद के लिए डेवलप हो। अरे समझ गए गुरु। ओके एक्सक्यूज मी। ओके ओके बाय। तुम क्या बात है? जी जी सुमित से। क्यों, उसने बुलाया था तुम्हें? जी नहीं, मैं तो ऐसे मिलने आई थी। मिलने की कोई खास वजह? देखो अंजू, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। सुमित दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। उसने तुम्हारे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या उसका कोई कसूर नहीं, इसलिए कि वो आपका भाई है? अफसोस की बात तो यही है कि वो बेवकूफ मेरा भाई है। खैर, अब उसे इस बात का एहसास हो गया है कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो उसकी दिमागी फितरत थी, उसका पागलपन था। पागलपन? हाँ पागलपन। अब तुम जा सकती हो। सुनो जी, तुम सुमित से मिलने आई थी ना? जी हाँ। मिल लिया? आपने अपने मौका ही कब दिया। हद हो गई, इतनी देर तक हम बातें करते रहे और तुमने एक बार भी नहीं कहा, और मैं ये समझता रहा कि उस इडियट ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। खैर वो अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। और सुनो, उससे ये भी पूछ लेना कि वो शादी कब करना चाहता है तुमसे। जी, सुमित। अरे तुम, ये आंसू क्या हुआ तुम्हें? ये तो खुशी के आंसू है सुमित, आज तुम्हारे भैया ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। भैया ने? हाँ, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान है। आखिर भाई किसका है? मेरा। तुम उनसे तो ग्रेट नहीं हो। मैं उनसे भी ग्रेट हूँ, ग्रेटर। अच्छा, मैं एक शर्त पर तुम्हें ग्रेट मान सकती हूँ। कौन सी शर्त पर? अगर तुम कैंप पर चलोगे तब। अंजू, ये कैंप, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी खातिर प्लीज। तुम्हारी खातिर मंजूर है। Sumit, you're great.
देना भी ये। फिर तुम मुझे तरसाए हैं क्यों? बोलो पिया, बोलो सजना। और कह तो दिया तेरे बिना नहीं रहना। तेरे मेरे प्यार से रंगीन कैसी है शाम। पूछो जिसे होश हो अपना तो किस्सा तमाम। आशिक चांद को देख रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना? मैं तो इस चांद की बात कर रहा हूँ। रहने भी दो ना। सच कह रहा हूँ जो, आसमान का चांद मेरे इस चांद के सामने बिल्कुल फीका लग रहा है। झूठे। झूठ नहीं सच, अंजू की कसम। अंजू की झूठी कसम? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर अंजू को कुछ हो गया तो? ए, भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहना। तुम्हें कुछ हो गया तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा मेरे लिए। कौन जाने। खैर देर हो रही है, वार्डन चिल्लाएगी, चलो ना। कैंप में जाने का बिल्कुल मन नहीं है और रात देर तक बाहर रहने की इजाजत नहीं है। चलो ना प्लीज। ओके, एक शर्त पर, सबके सो जाने के बाद आओगी। इम्पॉसिबल। प्लीज। तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है सुमीर? मालूम नहीं, तुमसे बिछड़ने को मन नहीं चाह रहा है। जी चाहता है कि क्या फिर मिलोगी तो बताऊंगा। सुमीर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम आने की कोशिश करोगी ना? मैं तुम्हें मेरी कसम, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जान नहीं चाहिए बाबा। इस चांदनी रात में हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठेंगे और मैं तुम्हारे हाथों को थामकर जी भर के तुम्हें देखूंगा। इतनी सी बात तो मान लो। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया। ठीक है मगर थोड़ी देर जरूर लगेगी। थोड़ी सी देर का वादा कर लो तो सारी जिंदगी इसी वादे के इंतजार में गुजार दूंगा। मेरा पगला। ठीक है अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। वादा याद है ना? यस बाबा। गुड नाइट। नो गुड नाइट, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आई लव यू। ओके बाय। अंजू। ए अंजू, सच कह रहा हूं, आसमान का चांद मेरे इस चांद के सामने बिल्कुल फीका लग रहा है। चल झूठे। भगवान के लिए फिर ऐसी बात कभी मत करना। अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा मेरे लिए। मालूम नहीं, तुमसे बिछड़ने को मन नहीं चाह रहा है। जी चाहता है कि अंजू तुम आओगी ना? तुम आओगी ना अंजू? हाँ।
बदले। देखो मैं आ गई, मैंने मैंने अपना वादा निभाया। शुक्रिया। तुम? हाँ हम। प्रेम की इज्जत को दीवार पे चिपका कर तू क्या समझती है? तूने उसे जलील कर दिया, तूने उसे हरा दिया। जल्लत क्या चीज होती है मैं तुझको दिखाऊंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी तू। देख रानी, ये ले चल बल्ला, चल जा। सुमित, अनीता, तुम और यहाँ पर? अंजू कहाँ है? क्या मतलब? वो तो तुमसे मिलने गई थी। मुझसे? हाँ, मैंने उसे खुद जाते हुए देखा था। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। तो फिर गई कहाँ? अंजू, सुनो सुमित। क्या होगा यार? अंजू, वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। इसे यहाँ से ले चलो, जल्दी। हाँ चलो चलो, ले चलो इसे यहाँ से, चलो जल्दी। अंजू, प्रेम, पंचम, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अंजू, पंचम, तू कैमरे से रोल निकाल जल्दी से। ये रहा, ये चलिए निकाल। जा, प्रेम। यहां तक मेरा ख्याल है यह किसी जंगली जानवर का भी काम हो सकता है। वैसे इस घने जंगल में डाकुओं का भी आना जाना लगा रहता है। जब तक पुलिस इंक्वायरी नहीं होती, मौत की सही वजह बताना मुश्किल है। हम तो यहाँ कैंप फायर के लिए आए थे, अब हमें करना क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है।
बाप का घर छोड़कर जाने का ये कौन सा तरीका है बेटी? मुझसे क्या भूल हो गई? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? मुझे छोड़कर मत जा बेटी, तुम्हारी कोई बात नहीं काटूंगा, कोई बात नहीं काटूंगा। दीवान साहब, हिम्मत से काम लीजिए। कौन सी हिम्मत से प्रिंसिपल साहब? हिम्मत तो टूट गई मेरी, मुझे छोड़कर मत जा अंजू बेटी, मुझे छोड़कर मत जा, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। अकेले वो भी इतनी देर तक? चलो चलो उठो, बहुत रात हो चुकी है। फिकर मत करो, आता ही होगा। मैं फिकर ना करूं, ये जानते वक्त कितना परेशान है, पता नहीं मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम भी जरा जरा सी बात पर। ये जरा सी बात है क्या? 12 बज रहे हैं, आप उसे जाकर तलाश भी नहीं करते। इस वक्त कहां जाकर तलाश करूं उसे? उसके जितने भी यार दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, सभी के यहां फोन कर चुका हूं। सब्र करो, आ जाएगा। कब आएगा? दो घंटे से यही सुन रही हूँ मैं। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ। आप जाकर सो जाइए, मैं उसके लिए इंतजार करूंगी। रमा प्लीज, मैंने कहा ना, आप जाकर सो जाइए, मैं इंतजार करूंगी। कहाँ चले गए थे तुम? आप अभी तक सोए नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सुमित,
कहाँ गए थे इतनी देर तक? बाहर गया था। कहाँ बाहर? ये जानते हुए भी घर पर सब परेशान होंगे, ये फोन तक नहीं कर सकते। नहीं कर सका तो क्या हुआ? एक दिन बाहर क्या चला गया तो कौन सी आफत आ गई? मैं बच्चा नहीं हूं अब। तुम बच्चा नहीं रहे। मैं ये भी भूल गई थी कि मैं तुम्हारी मां नहीं, सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं, जिसका तुमसे खून का कोई रिश्ता नहीं। मैं एक पागल औरत हूं, इतने बरसों से तुम्हें पालते हुए मैं अपना अधिकार जताने लग गए थे। मैं अपने हाथ भूल गई थी। मुझे अरे रमा, क्या बात है? कहीं सुमित तो? भगवान न करे उसे कुछ हो। तो फिर क्या बात है? बस कुछ नहीं। कुछ बात तो है। देखो रमा, तुम्हें मैं जानकी जरा सी बात के लिए कसम देने की क्या जरूरत थी? ये जरा सी बात क्या है? वो देर से आया, मैंने उसे डांट दिया। बस इतनी सी बात? अच्छा किया जो तुमने उसे डांट दिया। अच्छा नहीं किया, अब वो बच्चा नहीं है। रमा, वो हमेशा तुम्हारे लिए बच्चा ही रहेगा, लेकिन उसे डांट कर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओहो, दिल छोटा मत करो। ये क्या रमा, ये गुड गर्ल। ठीक कहा तुमने, अब तुम बच्चा नहीं रहे। मैं ये भी भूल गई थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, जिसका तुमसे खून का कोई रिश्ता नहीं। मैं एक पागल औरत हूँ, इतने बरसों से तुम्हें पालते हुए मैं अपना अधिकार जताने लग गई थी। मैं अपने हाथ भूल गई थी। मुझे मालकिन, छोटे मालिक को जगा दूं? नहीं, सोने दो उसे, रात देर से सोया है। अच्छा, ये गुलदस्ता उधर रख दो। जी। भाभी, उठ गए क्या तुम? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी, रात को पागलपन में न जाने क्या क्या कह गया। भाभी, आइंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप जो कहेंगी वही करूंगा, आपकी हर बात सुनूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस टूटेगा तो नहीं? कभी नहीं, अब तो माफ कर दीजिए। ठीक है, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? फिर कभी घर देर से नहीं लौटोगी। मंजूर है। और रोजाना कॉलेज जाओगे। बस हो गया ना प्रॉमिस? ठीक है, मैं कॉलेज भी जाऊंगा। जूलियट की जिंदगी का एक ही मकसद था, और वो मकसद था रोमियो। रोमियो की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे अब उसमें जीने की तमन्ना ही नहीं। वो ये नहीं जानती थी कि रोमियो जो जहर खा चुका था वो जहर नहीं, अमृत था। उसने खंजर लिया और अपने पेट में उतार लिया, ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए अपने रोमियो से जा मिलेगी। ये है मोहब्बत की वो अमर कहानी जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी के मर जाने पर अपनी जान भी दे देती है, इस उम्मीद में कि वो अपने प्रेमी से अगले जन्म में फिर मिलेगी और अपनी प्रेम कहानी फिर दोहराएगी। लेकिन ऐसा ना हो सका, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, कुछ और ही मंजूर था। और जब
जब रोमियो को होश आया तो उसने जूलियट की लाश देखी। उसकी अपनी हालत एक जिंदा लाश की तरह हो गई। आंखें पथराई हुई, जबान बंद, होशो हवास से बेगाना, गम के बोझ से निढाल, प्रेमिका के बिछड़ने के दुख से दूर दूर। सुमित, तुम रो रहे हो? नहीं तो? तो क्या ये आंखें झूठ बोल रही हैं? ये आंसू यूं ही नहीं बह रहे हैं। प्लीज सुमित, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। कितना लड़ूं मैं अपने आप से अनीता, उसकी यादों से भागकर कहां जाऊं मैं? अपने मन पर पत्थर रखकर उसकी चिता तो देख ली मैंने, मगर उसकी मोहनी सूरत का क्या करूं जो इन आंखों में बसी है? अपनी आंखें फोड़ कर निकाल दूं उसे यहां से भी? ये मैंने कब कहा सुमित? अगर अंजू तुम्हारी आंखों में बस गई है तो उसे आंसुओं के सैलाब में क्यों बहा रहे हो? उसकी सूरत और उसकी हर याद को अपने दिलो दिमाग में बंद कर लो, उसके प्यार को अपनी शक्ति बना लो। हाँ सुमित, उसके प्यार को तुम अपनी शक्ति बना लो और अब कभी मत रोना, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। सब इसी का मिस्टेक है। पंचम बोल, मेरा क्या कसूर है यार? ये फोटोग्राफर की औलाद, पता रोल कहाँ गुमा दिया? रोल कहाँ है बोल यार? मुझे नहीं मालूम, कहीं वो रोल किसी के हाथ लग गया ना तो हम सब के सब फांसी चढ़ जाएंगे। और अंजू की तस्वीरें? क्या बात है? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बोलो क्या बात है? कुछ लोग बातें कर रहे थे किसी फिल्म के रोल के बारे में। फिल्म का रोल? हाँ, ऐसा लगा जैसे ये रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर किसी के हाथ लग गया तो उसे फांसी भी हो सकती है। फांसी? किसको फांसी? मालूम नहीं कौन थे वो लोग, मगर फिर उन्होंने अंजू का नाम लिया। अंजू का? फिर? अनीता, मैंने उनकी आवाज पहचानने की बहुत कोशिश की लेकिन रोल, फिल्म का रोल। अंजू! हाँ, मुझे भी एक रोल मिला था। कहाँ पर? उस रात जब अंजू के साथ हादसा हुआ था तो तलाश करते वक्त मुझे मिला था। कहाँ है? जय माता दी, फरमाइए। ये रोल डेवलप और प्रिंट कर दीजिए, अर्जेंट है। अर्जेंट? नो प्रॉब्लम। आप ऐसा कीजिए, 2 घंटे टहलकर रहिए और आकर अपना प्रिंट ले जाइए। थैंक यू। जय माता दी। चलो सुमित, 2 घंटे बाद बुलाया है। ला 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 ला। अरे क्या कर रहे हो यार, रील खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी? अरे खोल दूंगा इसको, जल्दी कर। जल्दी करता हूँ, मेरे बाप। कहाँ है मेरा पार्सल? जब आते हैं घोड़े पे सवार आते हैं इसका। अरे भाई आ रहा हूँ यार, कितना और मारेगा, तू समझता क्यों नहीं? अरे ये भाई हो गया। हाँ सब हो गया, सब बराबर है। चल पैसे निकाल, ले तेरे पैसे। किन के लिए बराबर, हमेशा का तेरा। अरे आ रहा हूँ यार। प्रेम मेरी बात सुन यार, अरे सिर्फ 200 रुपए यार, 400 का काम है मेरी दुकान लफड़े में। साले कमीने, जिस दिन मेरे हाथ लग गए ना तो गिन गिन के बदले लूंगा मैं तुम लोगों की। क्या बात आदि करवा दूंगा, इडियट्स। अंजू का रेप और मर्डर? पादरी, डार्लिंग प्रेम अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले काम मैं किया करता था,
और मलाई आप लोग खाया करते थे, अब काम आप किया करेंगे और मलाई मैं खाया करूंगा। जय माता दी। क्या देख रहे हो आप? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री? हाँ मेरी है, वो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के फॉर्म्स मंगाए थे, वही हैं। इंजीनियर बनना है? हाँ। गुड, रिजल्ट आ जाने दो। एजुकेशन मिनिस्टर रामदेल अपना ही दोस्त है, तुम्हें सीट मिल जाएगी। हाँ। और हाँ, किसी का फोन आया तो बोलना, निकल गया। अच्छा भैया। हेलो। हेलो गुरु। हाँ बोल पंचम, क्या तुम्हें भी वो तस्वीरें मिली? यार कौन हो सकता है वो आदमी जिसने हमें फोटो भेजी? पता नहीं गुरु। एक काम करते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हाँ सब भेज दिया है। हाँ सब ठीक है। हाँ। ओ मैडम, मैडम आपकी रील किसी ने खोल दी थी क्या? जी नहीं तो। मैडम बिल्कुल खराब हो गई है, ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम जो कुछ भी आपके सामने है, मेरा ख्याल है इसे रोशनी लग गई है। अच्छा मैडम, इसकी डेवलपिंग के 20 रुपए तो दे दीजिए। जय माता दी। यार तुम लोगों के पास भी वो तस्वीरें आ गई? हाँ यार। साला कौन हो सकता है ये आदमी अपने को ब्लैकमेल करने वाला? अपुन को क्या मालूम, लगता है अपुन का ही फंदा अपुन के गले में पड़ने वाला है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? रोल ब्लैंक निकला। साहब क्या लेंगे? दो थम्स अप ले। जी अच्छा। कितनी बार तुम लोगों को समझाया है ये सब मत करो, मगर शट अप यार। ओके बाबा बोलो, अब इस तस्वीर का मैं क्या करूं? इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या किया यार, हर बार मेरी ही शामत। शामत को अपने साथ लेकर घूम रहा है, फांसी पे चढ़ने का इरादा है क्या? सुमित। क्या बात है, किस सोच में पड़ गए हो? कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इसको अंदर छुपा दे, छुपा दे। चलिए यहां से निकल चले। सर चाय लेंगे? हाँ एक चाय लाओ। ठीक। चलो अब चलते हैं से। चलो सारा कसूर इस गधे का है, गलती तुम करो और मारा मैं जाऊं। अरे तस्वीर यहां लाने की क्या जरूरत थी? सर चाय। अरे वेटर जी जरा एस्ट्रे ला। तस्वीर फाड़कर ऐसे में डालने की क्या जरूरत थी? अरे इसी ने तो कहा था डालने की। अरे उसने तो वही एस्टे मंगा लिया यार। अब क्या होगा? फांसी। यार वहां पे भी नहीं है। फंस गए। हाँ
क्यों बेटा, बाप का भेजा हुआ तोहफा पसंद आया? कौन बोल रहा तुम? अरे मैं जो भी हूँ तुम वो छोड़ो, फिलहाल तोहफे के इवज में 1,00,000 रुपया लेकर हैंगिंग गार्डन में पहुंचो और उसे बेंच नंबर 5 पर रखकर रफू चक्कर हो जाओ, समझे? जय माता दी। साले बहुत चंकिया करते थे, एक एक का जीना मरना हराम कर दूंगा। अरे चंदर, जय माता दी। बुल्लू के पत्थरों का मार। अरे चंदर, चल चल वो नेगेटिव निकाल, बहुत तंग किया तूने हम लोगों को, बोलता हूँ आखिरी बात। अरे प्रेम में बोलता हूँ यार, मेरे पास नेगेटिव नहीं है यार। एक पंच देगा अपुन। अरे क्या जबरदस्ती है, एक पंच देगा। देख देख बोलता हूँ आखिरी बार, बहुत मार पड़ेगी तेरे को। चल पंच, बोल दे इसको। दे दे यार, क्यों जवानी में मरना चाहता है? उनके हिसाब से तू जाती बोल रहा है। देख मेरे को हाथ नहीं लगा, देख। ऐसे नहीं मानेगा तुझसे। क्या देने के लिए? मैं सर क्या दूँ, मेरे पास नेगेटिव नहीं है। बता बता जल्दी बता। बता दे बुड्ढे, क्यों कुत्ते की तरह मरना चाहता है? बोल कहाँ नेगेटिव? बोल दे कुत्ते। बता दे बुड्ढे, बता दे। अरे गधे, ये क्या कर दिया तूने? लगता है मर गया यार। वाह सुमित वाह, प्यार करते वक्त तो बड़े बड़े दावे किए थे तुमने, क्या वो सब दिखावा था? नाटक था, ढोंग था उस मासूम के साथ? था, है ना सुमित, था, मगर अब नहीं है। तुम्हें प्यार करने का अधिकार नहीं है कायर। कैसे मान लूं कि तुम कायर नहीं हो? साबित कर सकोगे? साबित करना ही पड़ेगा सुमित, वरना तुम ये कर्ज कैसे चुकाओगे? मोहब्बत का कर्ज, अंजू की मोहब्बत का कर्ज, अंजू की मोहब्बत का कर्ज सुमित। हेलो। हेलो प्रेम है? नहीं जी, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गया है। कहाँ पर? डायमंड अप।
खून हो गया। खून 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 किसने किया? कौन है खूनी? खूनी पकड़ा गया क्या? देखा पहलवान, हमारे आने से कैसे खामोशी छा गई। क्यों बे, चुप क्यों हो गए सब? आप उनकी बुराई कर रहे सब? नहीं, हम तो प्रेम। क्या बोला? प्रेम की? प्रेम की बेइज्जती कर रहा है तू? गुरु के बारे में क्या बक रहा है रे? मैं तो अखबार। क्या है अखबार में? प्रेम का फोटो। प्रेम? गुरु ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? क्या है रे? मर गया। प्रेम मर गया? किसने किया होगा ये खून? लोकेश, पंजाब, तुम लोगों ने प्रेम के बारे में पढ़ा? अभी अभी अखबार में पढ़ा। चलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पंजाब, रानी, तुम लोगों ने ये अखबार पढ़ा? तस्वीर में भी यही ड्रेस है, बिल्कुल यही। इन दोनों में से कौन हो सकती है? हाँ,
आप धीरज रखिए सर। धीरज धीरज, मैं धीरज रखूं? एक आदमी का जवान भाई मर गया है वो धीरज रखे? मेरे भाई का खून हुआ है कमिश्नर, और तुम कहते हो कि मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारी कार्रवाइयों का तमाशा देखता रहूं? पुलिस अपना काम कर रही है। नाकाबंदी से काम नहीं चलेगा कमिश्नर, मुझे मेरे भाई का कातिल चाहिए। कातिल मिलना भी तो चाहिए। तो ढूंढिए ना कातिल को, घर में बैठकर टेलीफोन की घंटियां बजाने से कातिल नहीं मिलेगा आपको। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, मुझसे जो बन रहा है करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई सबूत भी तो नहीं छोड़ गया वो? सबूत भी छोड़कर नहीं गया, वो भी मेरे भाई का कसूर है। मैं मंत्री जी को बोलकर पूरे डिपार्टमेंट को हिला डालूंगा। मैं आपके जज्बात समझता हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शांत रहिए, हम हर हालत में उस खूनी को गिरफ्तार करेंगे। मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर मैं करूंगा। ठीक है सर। हेलो। हेलो, भार्गव भट्ट साहब हैं? पापा मम्मी तो बाहर गए हैं, आप कौन? वेरी फनी। Oh!
स्टेशन यहाँ पर एक लड़की का खून हुआ है। कहाँ पे? सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने। सेंट्रल लाइब्रेरी, हम अभी पहुँचते हैं। खून भी पिछले होने वाले खून की कोई कड़ी है? कुछ ठीक से कह नहीं सकते। एक के बाद एक खून हो रहे, पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? पुलिस वाले भी इंसान हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक जितने भी खून हुए सभी स्टूडेंट्स थे, वो भी एक ही कॉलेज के। सर खान, मैं दुनिया को जवाब देते देते थक गया हूँ, सुपीरियर्स को क्या जवाब दूं? मैं पूरी कोशिश करूं। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं, कातिल की जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द। ओके? यस सर। यस सर। इस सारे केस में एक ही बात खुलकर सामने आती है। कौन सी बात सर? के सारे हंगामे की जड़ उसी कॉलेज में दफन है। मुझे कोई एतराज नहीं है इंस्पेक्टर खान, सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन पर कोई हर्फ ना आए। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट से जरूरी सवाल पूछने हैं। आपको गलतफहमी हुई सर, आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा सा, मेरा मतलब है स्टूडेंट हूँ। ये खून मैंने नहीं किया, ना तो मैं कातिल को जानता हूँ और ना तो वो मेरा भाई है सर। Shut up, you bloody mimic. एक रात लॉकअप में रख के धुलाई करूंगा तो सारी मिमिक्री और एक्टिंग भूल जाएगा। अंडरस्टैंड? मैं सच कर रहा हूँ सर, मेरा इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर किसका ताल्लुक है? क्या प्रेम के किसी और से भी दुश्मनी थी? प्रेम से तो पूरे कॉलेज की दुश्मनी थी सर, मगर वो मगर क्या, सुमित की वजह से एक बार प्रेम का और परवेश का हंगामा हुआ था और परवेश को जबरदस्ती कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था और परवेश ने जाते जाते प्रेम को चैलेंज भी दिया था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। हो सकता है। ये सुमित कौन है? किसी हॉस्टल में रहता है? सुमित तो एक सीधा साधा लड़का है सर, वो हमारे साथ नहीं रहता। और ये दूसरा नाम क्या बताया तुमने? परवेश सर। हरामजादे बोल, मैं कहता हूं सच सच बोल,
वरना जिंदगी भर तेरी हड्डियों का एक एक जोड़ तुझे ऐसा जुर्म ना करने की नसीहत देगा। बोल। मैं हजार बार बोल चुका इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। सिंह। यस सर। वो दूसरा कौन है? सुमित जी। प्रेम, तुम्हें बहुत परेशान करता था। मरने वालों के बारे में बुरा कहने से क्या फायदा? मरने वालों? यानी तुम प्रेम के साथ मोना और रानी की भी बात कर रहे हो? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम के अलावा ये लोग भी तुम्हें परेशान करते थे? जी। और तुमने मौका पाकर बारी बारी सबको ठिकाने लगा दिया। मैंने? हाँ, तुमने। इल्जाम है, झूठ है सब। झूठ और सच का फैसला बहुत जल्दी होने वाला है। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, एक गुनाहगार को उसकी असलियत बता रहा हूं। सबूत है मेरे पास, चश्मदीद गवाह भी। पहले दो खून करने में तो तुम बड़ी होशियारी से बिना कोई सबूत छोड़े कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए कामयाब रहे, लेकिन तीसरा खून करते वक्त तुम चूक गए। सर, एक औरत आई है जो कहती है मैं कातिल को पहचानती हूं। ब्रिंग हर हियर। आइए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आप जिस खूनी को पहचानने की बात कह रही थी, कहीं वो ये तो नहीं है? ये वो नहीं है। जरा गौर से देखिए और फिर बताइए। मोटा था और लंबा था, ये वो नहीं है। Anyway, thank you. You may go now. Thank you. I'm sorry, Mr. Sumit. You can go now. Thank you. All the best. Same to you. You're welcome. थैंक यू इंस्पेक्टर गीता, थैंक्स अ लॉट। लेकिन सर, आपको इससे फायदा क्या होगा? मेरा मकसद हल हो गया। मैंने उसकी आंखों पर कामयाबी का अंधा चश्मा चढ़ा दिया है। अरे, आप इतनी जल्दी? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सुमित आज पुलिस स्टेशन गया था। क्या पुलिस स्टेशन? क्यों? कत्ल की इंक्वायरी के सिलसिले में। किसके कत्ल की इंक्वायरी में? कॉलेज स्टूडेंट्स के कत्ल की इंक्वायरी में। लेकिन सुमित का उसे क्या ताल्लुक है? वो तो आई नो, लेकिन कौन इंस्पेक्टर है? ठहरो, मैं कमिश्नर से मिलकर आ रहा हूँ। भाभी। सुमित, पुलिस ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जी नहीं। अरे खैर, जो हुआ सो हुआ, आज कोई चाय वाय के लिए नहीं पूछेगा? हाँ भाभी, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैं भी लाती हूँ। हाँ? क्या बात है, परेशान क्यों है? कुछ नहीं भैया। अरे तू फिक्र मत करना, मैं हूं ना। जी चल, टेबल पे चलते हैं। पहले प्रेम, फिर मोना, फिर रानी, अब न जाने किसकी बारी है। हमारे स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने तो होम मिनिस्टर को भी खत लिखा है कि जल्द से जल्द कातिल का पता चलाया जाए। अब तो पुलिस भी बेकार हो गई है, अब तक असली कातिल का पता नहीं लगा सके। मैडम, बिजनेस इकोनॉमिक्स बुक है। बाहर गई है किताब,
क्या बाहर गई है? तुम क्यों परेशान होते हो पंचम? तुम कब से पढ़ाई में ध्यान देने लगे? मैं नहीं, मेरे बाप ने। किताब तुम्हारे पिताजी पढ़ेंगे। अगर फेल हो गया तो पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। पास होना बहुत जरूरी है, पोजीशन बनानी है। वो किताब तो वंदना ले गई है, कल सुबह वापस करेगी। कल किसी भी कीमत पे मुझे ये किताब चाहिए मैडम। ओके बाबा, यू विल गेट इट। बिजनेस इकोनॉमिक्स डेफिनेटली। चाटने की बहुत आदत है ना, अब ये जहर चाट के देख। मैडम, मैडम, बिजनेस इकोनॉमिक्स सामने रैक पर रख दो। हाँ यार, किताब लेने आया हूँ। कमाल है यार। मैडम, मेरी किताब सामने रैक पर है। ओके। अरे यार, ये तो मेरी किताब है, कल से बोल के रखा हुआ मैंने। सुमित खड़ा है वहां।
तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। कम तुम अब ज्यादा देर कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते सुमित। धूल तो आपकी आंखों में पड़ी है इंस्पेक्टर साहब, जो अपनी आंखों के सामने लहराते हुए हर साय को कातिल समझ रहे हैं। तुम साया नहीं, हकीकत हो। हकीकत? माना कि मैं कानून की दुनिया का खिलाड़ी नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कानून को अपने घर की जागीर जरूर कह सकता हूं। मेरी हर सुबह शाम कानून के खिलाड़ियों के दरमियान गुजरती है। एक बात भूल रहे हैं आप, सबूत। पहले सबूत खोजिए, फिर कातिल की तफ्तीश कीजिए। कातिल और सबूत दोनों मेरे उतने ही करीब हैं जितने कि तुम खुद। यूं समझ लो कि मेरे लिए कातिल भी तुम ही हो और सबूत भी। ये वर्दी देख रहे हो, ये मैंने रिश्वतों, सिफारिशों और चापलूसियों से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल और मेहनत के दम पर हासिल की है। और मुझे खान कहते हैं, इंस्पेक्टर खान। जिस मुजरिम के पीछे भी पड़ जाता हूं, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता हूं। और याद रखना, वो वक्त दूर नहीं जब मेरे ये हाथ होंगे और तुम्हारा यही गिरेबान। चेक। इतनी जल्दी चेक? मात तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरी शतरंज पर अभी एक मोहरा बाकी है इंस्पेक्टर। इस खेल का आखिरी मोहरा। सुमित। हाँ? तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है, बस चाय पीने को मन कर रहा था, सोचा दोनों साथ चलेंगे। चलोगे? चलो। सुमित, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? अकेले में। ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? ऐसी ही बात है सुमित। अनीता, तुम कैंटीन में चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बोलो क्या बात है? सुमित, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किस बात की? मैंने तुझे बहुत परेशान किया है, सोचे जाने से पहले तुझसे माफी मांग लूं। हाँ? जाने से पहले? कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, हमेशा के लिए, मॉरिशियस। मॉरिशियस? हाँ, अब मेरा कॉलेज में दिल नहीं लगता, पूरा कॉलेज सूना सूना लगता है, और अपना ग्रुप भी खत्म हो गया। आई एम सॉरी सुमित, चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है और शाम को अजंता ट्रेवल्स भी जाना है। ओके बाय। ओके बाय। Thank you.
निशान भैया को क्या जवाब दूंगा? रात गए कहां से आ रहे हैं आप? मैं कहां से आ रहा हूं? आपको इस बात का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। जरूरत है सुमित। इंस्पेक्टर खान को जवाब दो। मैं पिक्चर देखने गया था भैया। कौन सी पिक्चर? हत्या। हत्या करने या देखने? मैं कुछ समझा नहीं। पहले आप यह समझा सकते हैं कि आपको यह चोट कैसे लगी? मेरा थिएटर में किसी से झगड़ा हुआ था। किससे? अनजान लोगों से झगड़ कर नाम नहीं पूछा जाता। किस थिएटर में? शान थिएटर में। और यादा टिकट मेरी बात का सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, अगर फिर भी आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो हेलो मैनेजर साहब, मैं सुमित खन्ना बोल रहा हूं। एक मिनट, जरा इंस्पेक्टर खान से बात करिए। हेलो, मैं मैनेजर द्वारका बोल रहा हूँ। सुमित वहाँ पे आखिरी शो देखने आया था क्या? हाँ, वो सुमित हमारे सिनेमा पे आया था। वहाँ कोई झगड़ा उड़ा हुआ था? थोड़ी हाथापाई हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने संभाल लिया। थैंक यू। सॉरी सर, मैंने बेवजह आपको तकलीफ दी। कभी कभार ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर रोज ऐसी तकलीफ होगी तो। राइट सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसी नौबत ना आए। गुड नाइट। गुड नाइट। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ सुमित। ओके भैया, गुड नाइट। लॉर्जेस, लॉर्जेस, तुम्हें याद है तुम पर हमला हुआ था? किसी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। गॉड, क्या तुमने उस आदमी को देखा था अच्छी तरह से? ये देखो, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम पर हमला किया था? लॉर्जेस, लॉर्जेस, डॉक्टर। My God. I'm sorry. He's no more. What? Yes. Oh, God. Doctor, can you do me a favor? Yes. लॉर्जेस की मौत की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस वार्ड से जुड़े हुए हर वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर से सिर्फ यही कहना है कि लॉर्जेस अभी तक खतरे से पार नहीं है और ऑपरेशन से उसके बचने का चांस है। गुड। गुड? यह अखबार में गुड वाली कौन सी बात छपी है? हमेशा मरने या तबाही की बात होती है। लॉर्जेस एंथनी के बारे में छपा है, लिखा है लॉर्जेस एंथनी को ऑपरेशन करके बचाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लॉर्जेस ही एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसके बचने से कातिल तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। भगवान करे बेचारा बच जाए। ये लो। Thank you.
30 रुपए हुए। आपका अंदाजा सही निकला सर, वो डॉक्टर के भेष में आ रहा है। आने दो। स्पेशल वार्ड यही है। जुनून की जो दाद दूंगा वो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे खानदान की आने वाली हर पुश्त के लिए एक नसीहत होगी। चाकू फेंक दो। बेवकूफ, मुर्दे को मारने आए थे? नाउ कम ऑन, यू ब्लडी, you bloody criminal! I'll get you! I'll get you! अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इंस्पेक्टर खान की चलाई हुई गोली मेरी टांग की बजाय
मेरे सीने में क्यों नहीं लग गई? मर तो जाता मैं, अपनी अंजू से मिलने का मौका भी छीन गया मुझसे। अगर सच्चाई का नाम ही जुर्म का कबूल करना है तो कानून को पूरा इख्तियार है कि वो सजा दे, लेकिन इस सच्चाई के पीछे इंसानी जज्बे और उस दर्द का भी सोचे जिसकी वजह से हालात ने एक भोले भाले इंसान को ऐसे करने पर मजबूर किया। मैं अदालत के सामने एक कड़वी सच्चाई की तस्वीर पेश करना चाहती हूं, जिसे देखकर दुनिया का कोई भी इंसान अपना होश हवस खो सकता है। इस तस्वीर में एक बेबस मजबूर लड़के की बेबसी तो है, मगर उसकी बेबसी और मजबूरी की दर्दनाक चीखें नहीं है। इस तस्वीर में उसकी बेचारगी तो है, मगर बचाव की कोई सूरत नहीं। ये तस्वीर को देखकर हर इंसान का कलेजा कांप उठे। ये तस्वीर इंसाफ चाहती है, न्याय मांगती है। योरानर, सुमित ने यह सब महज दिल के हाथों मजबूर होकर किया। न्याय अन्याय को अपने जज्बों के तराजू में तोला है। अगर इंसाफ के तराजू में तोलता तो आज ये मजबूर होकर इस खटेरे में खड़ा ना होता। That's all, Your Honor. That's all. मुकदमे का बगौर मुताला करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पांच खून एक सोचे समझे प्लान के तहत किए गए, इसलिए अदालत सुमित खन्ना को मुजरिम करार देती है। लेकिन इसकी दिमागी हालत और कम उम्र को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम सुमित खन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाती है। रोमत, मेरी भाभी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। नहीं सुमित, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं। भाभी, फांसी के फंदे से छीन कर जिंदगी दी है तुमने मुझे, तुमने तो मुझे नया जन्म दिया भाभी। एक्सक्यूज मी मिसेस खन्ना, प्लीज चलिए। भाभी, भैया का ख्याल रखना। मेरा ख्याल तो वो रख लेगी पगले, तेरा ख्याल कौन रखेगा? I'm sorry. नहीं भैया, नहीं।